कल हम भाग वन में पांच नियम हम लाभ और हानि का हम बता दिए हैं। आज हम शुरू करेंगे भाग दो में छठवां नियम। तो छठवां नियम, अब छठवां नियम क्या है? तो भाग दो में अगर भाग एक अगर नहीं देखे हैं तो भाग एक देख लीजिए, उसमें हम वंश्री करके पांचवां नियम तक हम बता दिए हैं। अब हम भाग दो में बताएंगे छठवां नियम। छठवां नियम है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 180 रुपए प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर 10% और क्रय मूल्य बराबर हुआ। मान लीजिए जैसे हम सवाल लगा रहे हैं, सवाल बनेगी कैसे? किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए या वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो कहने का मतलब जब कभी ऐसी सीन आती है कि सवाल पढ़े के बाद उसमें से हमको मिला क्या क्या मिला कि एक विक्रय मूल्य मिला, एक प्रतिशत हानि मिला, और फिर लास्ट में मिला कि वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई, इसका मतलब कि क्रय मूल्य हमको मिला। जैसा कि हम कल हम बता चुके हैं, खरीदने वाले मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं, बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो जब कभी ऐसी सीन आती है कि हमें विक्रय मूल्य दिया गया है और प्रतिशत हानि दिया गया है और क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे क्योंकि क्रय मूल्य बराबर यानी कि 100 × विक्रय मूल्य बटे 100 - प्रतिशत हानि। यानी कहने का मतलब अगर विक्रय मूल्य देना है, प्रतिशत हानि देना है और क्रय मूल्य निकालेगा है, तो हम कैसे निकालेंगे? उसका फार्मूला है, उसका सूत्र है, क्रय मूल्य बराबर 100 × विक्रय मूल्य बटे 100 - प्रतिशत हानि। तो अब बराबर नीचे बराबर लिखेंगे, 100 है 100 लिखेंगे, × लिखेंगे विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हमें दिए हैं, विक्रय मूल्य हमें 180 रुपए दिए हैं, इसका मतलब कि जहां विक्रय मूल्य लिखा गया है, हम विक्रय मूल्य की जगह पर हम 180 लिखेंगे, बटे है बटे लिखिए, 100 है 100 लिखिए, -है -माइनस लिखिए, प्रतिशत हानि। अब प्रतिशत हानि हमारा दिए हैं 10%, यहां हम लिख देंगे प्रतिशत हानि की जगह पर हम 10 लिख देंगे। अब करेंगे क्या, अब इसी को हल करेंगे। यानी कहने का मतलब 100 × 180 बटे, अब यानी कहने का मतलब 100 × 180 बटे 100 में से 10 घटा दीजिए। जब हम 100 में से 10 घटाएंगे तो आएगा कितना, 90 आएगा, तो यहां हम 90 लिख देंगे। अब हम इसको काटेंगे, अब यानी कि 90, अब 0 से हमारे 0 कट गया। अब यानी कि हमने कल बताया
जिस संख्या से हर को काटेंगे उसी संख्या से हम अंश को भी काटेंगे। जैसे अगर मतलब हर को अगर 9 से काट दिए, 9 इकम 9, हर को 9 से काटे तो यानी 9 से ही हम अंश को भी काटेंगे। तो 9 इकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 1 का मतलब कुछ नहीं, 100 दूनी 200 रुपए, यानी कि 200 रुपए क्रय मूल्य होगा। अब कहने का मतलब अगर हमका विक्रय मूल्य देना है और प्रतिशत हानि देना है और क्रय मूल्य निकालने का है तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जैसे हम निकाल दिए हैं इसको देख लीजिएगा। इसका सवाल जो बनेगा वो बनेगा किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई। तो मतलब यानी जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है वो हमारा विक्रय मूल्य हुआ और जितने रुपए में हमारा वस्तु खरीदी जाती है वो हमारा क्रय मूल्य है। भाग दो में दो का सातवां नियम, जैसा कि हम बता दिए हैं कि पार्ट वन में 5 नियम बताए हैं, तो अब सातवां नियम देखिए। सातवां नियम, हम नियम बताएंगे आपको, नियम देखिए जैसे लिखा हुआ है। सातवां नियम हमारा क्या है, किसी वस्तु को 220 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो इसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। कहने का मतलब लाभ और हानि ये क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। हमारा क्रय मूल्य कितना है, अगर हमारा क्रय मूल्य निकल जाता है तो हमारा यानी चाहे लाभ हो चाहे हानि हो हम सवाल लगा सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि कितने में बेचा गया है, अगर हम 220 रुपए में अगर हम बेच रहे हैं तो 10% का लाभ हो रहा है, लेकिन अब वही वस्तु जो हम 220 रुपए में हमने बेचा उसी वस्तु को हम कितने रुपए में हम बेचे कि हमारा जो है 25% का लाभ हो। आप देखिए तो ऐसे सवाल में हमेशा नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले हम क्रय मूल्य ही निकालेंगे। अब जैसे इसमें है लिखा है किसी वस्तु को 220 रुपए में बेचने पर, हमने कहा कि जितने रुपए में वस्तु को बेचा जाता है वो हमारा क्रय मूल्य है, तो हमारा क्रय मूल्य हो गया यानी विक्रय मूल्य है वो हमारा विक्रय मूल्य हो गया बराबर 220 रुपए पर 10% का लाभ होता है। अब यानी कि प्रतिशत लाभ हमारा हो गया प्रतिशत लाभ बराबर 10% लाभ होता है। अब हम केवल यहां तक देखेंगे, इसके आगे हम अभी नहीं देखेंगे, पहले केवल इतने से कि अब हमारा यानी विक्रय मूल्य दिया गया है और यानी प्रतिशत लाभ दिया गया है, जैसा कि हम नियम 5 में हम बताएंगे। अगर विक्रय मूल्य दे रहा है और प्रतिशत लाभ दे रहा है तो यानी कि सबसे पहले हम क्रय मूल्य ही निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे बताए ही हम, क्रय मूल्य बराबर 100 इंटू विक्रय मूल्य बटे 100 धन प्रतिशत लाभ। यानी कहने का मतलब अगर हमका विक्रय मूल्य देना है, प्रतिशत लाभ देना है, क्रय मूल्य निकाले का है तो क्रय मूल्य बराबर 100 इंटू विक्रय मूल्य बटे 100 धन प्रतिशत लाभ। अब बराबर है बराबर लिखेंगे, 100 है 100 लिखेंगे इंटू विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य हमारा है 220 रुपए तो 220 लिखेंगे बटे 100 धन प्रतिशत लाभ। अब हमारा प्रतिशत लाभ है 10%, यहां लिखेंगे 10, अभी कितना हुई है यानी 100 इंटू 220 बटे 100 और 110 से 110 हो गया। अब इसको हम जब काटेंगे यानी कि 100
आई इंटू 220 बटे 110, जीरो से जीरो कट गया, 11 के अंदर 11 दुनी 22, एक का मतलब कुछ नहीं, 100 दुनी 200 रुपए, 200 रुपए। यानी कहने का मतलब जिस वस्तु को हमने 220 रुपए में बेचा था, जिससे 10% का लाभ हुआ, वो वस्तु हमने 200 रुपए में खरीदा था। अब बात मतलब इसका और इसका होगा, अब यानी कि इतने से हमारा इतने का हिसाब क्लियर हो गया। अब इससे हमारा यानी कि मिल गया क्रय मूल्य। अब हम 200 रुपए का हमने सामान खरीदा था और हम 25% लाभ चाहते हैं, तो अब यानी नियम तीन भाग वन में नियम तीन देख लीजिए, अगर क्रय मूल्य दिया गया हो और प्रतिशत लाभ दिया गया हो, उसका विक्रय मूल्य क्या होता है, उसका विक्रय मूल्य है, देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य अघन लाभ। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन लाभ। अब यानी कि इसका मतलब कि क्रय मूल्य तो हमें मालूम ही है, क्रय मूल्य हमने निकाल लिया है, लाभ अब हम ये वाला लाभ पे यूज नहीं करेंगे, अब हम लेने की जो कह रहा है कि कितने में हम बेचे कि 25% का लाभ हो, अब ये तो यहां प्रतिशत लाभ हमको दिया गया है कितना, अब यहां जो अगला लाभ है वो यानी कि अगला लाभ बराबर 25%। यानी कहने का मतलब अब क्रय मूल्य हमारा 200 रुपये हुई, अगला जो हमका यानी कि लाभ लेना है वो 25% का लाभ लेना है, तो यानी 200 रुपए को हम कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर क्रय मूल्य दिया गया है, प्रतिशत लाभ दिया गया है, तो उसका सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। तो इसका मतलब यहां लाभ नहीं दिया गया, यहां प्रतिशत लाभ दिया गया है, इसलिए अगला प्रतिशत लाभ। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे। तो लाभ कैसे निकालते हैं, रूल नंबर तीन में हम बताएंगे, अगर यानी क्रय मूल्य दिया गया हो, जितना क्रय मूल्य दिन हो इंटू जय परसेंट हमें लाभ चाहिए, तो 25% लाभ हमको चाहिए, तो 25/100। अब हम दुई जीरो से दुई जीरो काट देंगे, एक का मतलब कुछ नहीं, 25 दूना 50 रुपए। यानी कि अगर हम 200 रुपए का कोई सामान खरीदे 25% लाभ पर यदि हम बेचे, तो हमें कितने रुपए का लाभ होगा, 25 रुपए का। लेकिन कह रहा है कि कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, तो इसका मतलब कितने में बेचा जाए, बेचने वाले मूल्य को हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। इसका मतलब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य का सूत्र है तो बराबर नीचे बराबर लिखेंगे, इसको मत भूलिए, सुंदर राइटिंग लिखिए और बराबर नीचे बराबर लिखिए क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हम जो निकाले हैं, ये हमारा क्रय मूल्य है 200 धन लाभ, लाभ यानी कि कितना निकाले हैं, 50 रुपए, तो यहां 50 रुपए लिखेंगे, तो यानी 250 से 250 रुपए। यानी कहने का मतलब अगर किसी वस्तु को 220 रुपए में बेचेंगे तो 10% का लाभ होगा, वही वस्तु अगर हम 250 रुपए का बेचें तो हमें 25 रुपए का लाभ होगा। ये सातवां नियम, जैसे कह दिया जाए किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो इसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, इस तरह से अगर सवाल आती है तो सातवां नियम लगा लीजिए। सातवां नियम देखिए,
आठवां नियम, सातवां नियम हम बता दिए हैं, आठवां नियम देखिए। तो आठवें नियम में है क्या, अगर हम नियम वाइज पढ़ेंगे तो हमारा नियम तैयार होगा। अब जितने नियम हैं हम आपको लाभ हानि सब नियम बताएंगे। जैसे लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो इसे कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। अब देखिए, इधर हमने कहा पहले तो केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, जो कुछ करना है इतने से ही पहले, मतलब एक लाइन पढ़ करके उसमें हमको क्या करना है उसको देखेंगे हम। तो कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। कोई वस्तु, चाहे जो भी वस्तु हो, अगर तुम्हें प्रतिशत लाभ निकालना, यानी कि प्रतिशत लाभ दिया गया है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो याद रखे रहिएगा उसमें क्रय मूल्य की आवश्यकता होती है भाई। यानी कि अब वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी ये तो पता नहीं है। अगर ये पता हो जाए कि वो वस्तु 500 रुपये में खरीदी गया है तो हम बता सकते हैं कि 15% लाभ, अगर यानी 500 रुपए की वस्तु खरीदी गई है 15% लाभ पर बेचा जाए तो कितने में बेचा जाएगा। तो क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दिया गया है तो हम कैसे विक्रय मूल्य निकालते हैं उसको अब अभी हमने बताया था कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस अगर लाभ हो रहा है तो यानी कि लाभ होगा। अब जैसे देखिए इधर, अब हमें क्या दिए हैं, विक्रय मूल्य दिए हैं, प्रतिशत हानि दिए हैं, हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे क्रय मूल्य। जैसा कि हम छठे नियम में हम बताएंगे कि अगर विक्रय मूल्य दे रहा है, प्रतिशत हानि दे रहा है और हमें अगर क्रय मूल्य निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। पहले तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, अब अगर विक्रय मूल्य देना है, प्रतिशत हानि देना है, क्रय मूल्य निकालने का है तो हम भाग दो में जाएंगे, छठवां नियम हम देखेंगे। छठे नियम क्या है, यानी कि क्रय मूल्य बराबर सॉरी इंटू विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि। यानी कि अगर विक्रय मूल्य देना है और प्रतिशत हानि देना है, अब क्रय मूल्य निकाले को दिमाग में नोट कर लीजिए कि उसका सूत्र क्या है। उसका सूत्र है क्रय मूल्य बराबर 100 इंटू विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि। अब इस सूत्र से हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा कि जो वस्तु को हम 180 रुपए में बेचा था और 10% की हानि हुई थी, उस वस्तु को हमने कितने में खरीदा, ये पता चल जाएगा। तो देखिए, तो ये 100 आई इंटू लिखा विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य हमारा दिया 180 रुपए, यहाँ 180 लिखेंगे बटे 100 है 100 लिखा, माइनस है माइनस लिखा, प्रतिशत हानि। अब देखिए प्रतिशत हानि हमारा दिए है 10, तो जहां लिखा है प्रतिशत हानि अब इसकी जगह पर हम लिखेंगे 10। अभी बराबर है बराबर लिखिए, 100 है 100 लिखिए इंटू 180 बटे 100 में से 10 घटा दीजिए, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा। आप इसी को हम जब काटेंगे, काटने के बाद जो आएगा वो हमारा क्रय मूल्य होगा। अब यानी कि 100 इंटू 180 बटे 90, 0 से 0 कट गया, 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी कि 100 दूनी 200 रुपए, 200 रुपए आएंगे। अब देखिए, यानी कि इसका मतलब कि जो वस्तु 180 रुपए में हमने बेचा था और 10% की हानि हुई थी, उस वस्तु को हमने 200 रुपए में खरीदा था। अभी मालूम है क्या, अब इसका मतलब
कि हमें पहले अगर हमें ये मालूम हो कि हम कितने में बेचें कि 10% का लाभ हो, कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो, कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो, कितने में बेचे, इसका मतलब हमें क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। जब तक क्रय मूल्य नहीं मालूम है तब तक हमको विक्रय मूल्य नहीं मालूम होगा। अगला हमारा जो ये है, यानी कि अगला प्रतिशत लाभ, अगला प्रतिशत लाभ हमें दिए हैं बराबर 15%, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा जो निकला है 200, ये क्रय मूल्य। अब याद करिए पार्ट वन में जाइए, नियम तीन देखिए, पार्ट वन में नियम तीन में हम बताए ही अगर क्रय मूल्य दिया गया हो, प्रतिशत लाभ दिया गया हो और हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो उसका विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य और धन लाभ, ये होता है। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य की आवश्यकता होगी और लाभ की आवश्यकता होगी, तो क्रय मूल्य तो नहीं दिया गया था तो हमने क्या किया, विक्रय मूल्य और प्रतिशत हानि से हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। और अब यही बात आई लाभ पर, लेकिन जो हमारा अगला दिए हैं लाभ नहीं दिए हैं, अगला हमारा दिए हैं प्रतिशत लाभ दिए हैं कि हम कितने में बेचें कि 15% का लाभ हो, तो वह हमारा प्रतिशत में दिया गया है, इसका मतलब पहले हम लाभ निकालेंगे। तो लाभ निकलेगा कैसे, कभी भी ऐसी सीन आती है कि अगर हमें क्रय मूल्य दिया गया हो और प्रतिशत लाभ दिया गया हो, अब विक्रय मूल्य निकालना है तो सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे, याद रखना सबसे पहले लाभ निकालेंगे। लाभ कैसे निकालते हैं हम बताए ही, पहले तो ही देखा कि रुपया मतलब क्रय मूल्य है, हम देखा कि 200 रुपया क्रय मूल्य देना है, अब इनटू अब हम कितना लाभ चाहते हैं, कितने प्रतिशत का, हम चाहते हैं कि 200 रुपए पर 15% का लाभ चाहते हैं, तो 15% लाभ निकाल लीजिए 15/100, अगर हम 15% का लाभ चाहते हैं तो 15/100 लिखेंगे, अगर हम 20% का लाभ चाहते हैं तो 20/100 लिखेंगे। तो हम अब ये हो जाए 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाए, एक का मतलब कुछ नहीं, तो 15 × 30 यानी कि लाभ हमारा आ गया 30 रुपए। तो अगर क्रय मूल्य देना है, अगर क्रय मूल्य देना है प्रतिशत लाभ देना है, याद रखिए भूलिएगा नहीं, सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे, लाभ निकालेंगे कैसे, जितना क्रय मूल्य हो इनटू जय परसेंट लाभ चाहते हो उतना बटे 100। तो जब इसको काटेंगे 30 रुपए, अब यही चूंकि हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, यदि क्रय मूल्य और क्रय मूल्य हमने यहाँ निकाला है, देखिए क्रय मूल्य जहाँ लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम 200 रुपए लिखेंगे, धन है धन लिखिए लाभ, ये तो हमारा प्रतिशत लाभ है, तो प्रतिशत लाभ से हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे तो मतलब है लाभ से, और लाभ हमने निकाला है 30 रुपए, तो यहाँ लिख देंगे 30, तो ये देखिए 200 रुपए ये, अब 200 रुपया अगर हो या 30 रुपया और मिल जाए तो फिर क्या पूछेगा, 230 रुपया हो गया। तो यह तरह से सवाल अगर आती है तो कम से कम आप लोग यानी नियम वाइज पढ़ेंगे तो आपका एक नियम तैयार होगा, जैसे भाई कह दी जाए किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो इसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, यह तरह से अगर सवाल आती है तो यानी कि उसमें 8वां नियम लगा लीजिएगा। 9वां नियम क्या है, 9वां नियम में सवाल कठिन नहीं होती है, सवाल तो आसान होती है, अगर दिमाग में आ जाए तो सवाल तो बहुत आसान हो गया, सवाल कठिन नहीं हो, केवल हिंदी आउ चाहिए, हिंदी का मतलब किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% का लाभ हो जाता है, इस प्रकार 120 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए, यानी कि वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, ध्यान से देखा
विधवा, शुरू से आखिरी तक वीडियो देखिए, तुम्हें हम एक एक नियम, लाभ हानि हम बताएंगे, जो भी सवाल हम बताएंगे वो आपके दिमाग तक हम डालेंगे, डालने का प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चों को जो हम नियम अपने बच्चों को बताए हैं उस नियम को सीखने के लिए और कहीं जाने की आवश्यकता ना हो। अब देखिए, देखिए इधर, जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु को हम कहीं से हम लखनऊ से हम लेके चले, हमने सोचा कि वो वस्तु का सोचे कि मतलब गिर गया टूटेगा, तो दिमाग में आया कि चलिए ठीक है, अब इस सामान को अगर 20% हानि पे अगर हमारे बिक जाए तो हम बेच डालेंगे, दे देंगे हम 20% हानि। लेकिन वाह भाई ईश्वर, ईश्वर हमारी मदद कर, 20% हानि के बजाय बल्कि हमारा 10% का लाभ हो गया, 10% के लाभ हो गया। देखा हमारा सपना क्या था, हमारा सपना था कि 20% अगर हानि पर भी बिक जाए हमारी पेन तो हम दे देंगे, लेकिन ईश्वर हमारी मदद कर दिया, 20% लाभ की जगह पर, हानि की जगह पर 10% के लाभ हो गया। तो हम उस पेन को या उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, हाँ यही हमको निकालना है, बहुत हो रही है। पहले तो ये बताइए हमारा सपना क्या था। मान लीजिए भाई, मान लीजिए, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। मान लिया हम वस्तु जो हम पेन खरीदे हैं, जो पेन खरीद के चले हैं, मान लिया हम 100 रुपया का पेन खरीदे, हम सोचा था कि 20% अगर हमका कम मिल जाए, 20% का मतलब 100 में 20 रुपया कम, यानी कि अगर हम 100 का खरीदे ही तो अगर हमका 20 रुपया कम मिल जाए तब भी इसको, इस पेन को दे देंगे। तो हमारा सपना क्या है, देखिए, यानी कि 20% हानि का विक्रय मूल्य बराबर, अब 20% हानि, तो एक है मतलब 100 में 20 रुपए की हानि हो गई। तो जब हमने यानी क्रय मूल्य अगर यानी 100 रुपए में खरीदा था, 20% अगर हानि पर बेचेंगे, इसका मतलब हमने बेचा 80 रुपए का, 80 रुपया का हमारा सपना रहा कि 80 रुपया का हम बेचेंगे, लेकिन हमें क्या हो जाता है, 10% का लाभ हो जाता है, यानी कि अब यानी 10% लाभ का विक्रय मूल्य, 10% लाभ का विक्रय मूल्य, अब 10% लाभ का विक्रय मूल्य कितना हो जाए भाई, 10% यानी 100 पर 10 रुपए का लाभ हो जाता है। अगर हम 100 रुपया का सामान खरीदे ही अब 10 रुपया का लाभ हो जाए तो हम इसका मतलब कितने में बेचे, 110 के बेचे, 110 लिखेंगे, 110 रुपए। तनिक हम मतलब हल्का सा दिमाग लगा लीजिए, यानी कहने का मतलब कि हमारा सपना क्या था, हमारा सपना था 80 रुपए का, हमने सोचा कि 80 रुपए अगर क्यों दे तो हम दे देंगे हम, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये ईश्वर ने हमारी मदद कर दी, 10% लाभ हो गया, यानी कि हम बेचे 110 के, तो इसका मतलब जितने के हम ख्वाब देखे रहे उससे हम कई रुपया ज्यादा पाए, 80 ख्वाब देखे रहे 110 पाए, एक है मतलब 30 रुपया ज्यादा पाए। तो यानी कि लिखेंगे हम अंतर, तो अंतर यानी दोनों विक्रय मूल्य में अंतर, दोनों विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, 110 माइनस 80 बराबर 30 रुपए। अब याद रखिए, बहुत कठिन नहीं है,
30 रुपए का अंतर है, यानी हम कहने का मतलब कि जितने का हमने पाप देखा था उससे हम 30 रुपए हम ज्यादा पाए। कब? जब हम 100 रुपए सामान लेके चले। लेकिन हम इस तरह से 120 रुपए अधिक हमने प्राप्त किया है। अगर हम 100 रुपए सामान लेके चला ही तो यह मतलब 130 रुपए ज्यादा पाए हो, 200 का सामान ले हो तो 230 यानी कि 60, 300 का सामान ले तो 30 90, 400 का सामान ले हो 30 4 3 12 120 रुपए। तो अब ये इसका मतलब कि हम 400 सामान लेके चले थे तो जितने का हमने कहा देने की ख्वाब हमने देखा था उससे हम 120 रुपए ज्यादा पाए। लगाएंगे कैसे? देखिए हम लिखेंगे चूंकि 30 रुपए अधिक मिलता है कब? जब क्रय मूल्य 100 रुपया। भाई हम 100 रुपया सामान लेके चले तो 100 में हम 30 रुपया ज्यादा पाए ही। अगर 100 रुपये सामान लेके चले तो 30 रुपया हमका मिलते ज्यादा, लेकिन हम पाए 120 रुपया, इसलिए एक रुपए अधिक मिलेगा जब क्रय मूल्य, यानी कि जो दुनिया रहे ऊपर है बटे दुनिया वाली गिनती मतलब नीचे हो जाए 100/30, तो हम ज्यादा कितना पाए ही? अब इसलिए 120 रुपए पर 120 रुपए अधिक मिलेगा जब क्रय मूल्य यानी कि 100/30 यानी 120 से ज्यादा हम पाएंगे, इसको हम ऊपर लिख देंगे। यानी कि अब कितना हो गया 100 × 120/30, 0 से 0 कटेगा, 3 × 3 = 12 यानी 400 रुपए। तो उस वस्तु को हम कितने रुपए में हमने खरीदा था जो हमें 120 रुपए ज्यादा मिला? तो हम 400 रुपए का सामान हमने खरीदा था जो 120 रुपए अधिक मिला। देखिए 9वां नियम है, नियम वही है, अगर उस सवाल में अगर कहीं दिक्कत हो ना आई हो, इसलिए हम इस नियम का एक सवाल और आपको हम बता दे रहे हैं। इसमें लिखा है एक मेज को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा गया, तो इस प्रकार 125 रुपए हमें अधिक प्राप्त होता है। तो वह मेज कितने रुपए में खरीदा गया था अब निकालना है। अब देखिए कहने का मतलब, अब जैसे हम मेज लेके चले, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि ये क्रेक है, दिमाग में आया कि अब इसको हम बेच ही डालेंगे। हम कहेंगे अगर चला 5% अगर कमो में के रूप ले तब हम दे देंगे। लेकिन हुआ क्या, जहां टूटी रही वो का क्यों ध्यान न दें और हमने क्या किया उसको 20% लाभ पर बेच दिया। तो यह तरह से हमका 125 रुपया ज्यादा मिला। तो हम वो वस्तु कितने में हम खरीदे रहे? तो अब देखा ही हाँ, अब देखिए इसका यानी कि हमें वह मेज कितने रुपए में खरीदा गया था, क्या मतलब हमका क्रय मूल्य निकाले का है, क्योंकि हम जानते हैं खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। तो मान लीजिए जैसा हम इतने पहले सवाल लाए रहे, हम माना मेज जो मेज हम खरीदे माना मेज का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया,
मान लिया वो हमने 100 रुपया खरीद के हम चला रहे, तो हमने सोचा कि अगर 5% कमो अगर बिक जाए तब भी हम दे देंगे। 5% हानि, 100 में 5 रुपया, 100 में अगर 5 रुपया की हानि है तो उसी को कहते हैं 5% हानि। तो ये नहीं कि हमारा ख्वाब क्या था, हमारा था कि 5% कमो अगर बिक जाए तब भी हम दे देंगे। तो ये नहीं कि 5% हानि का विक्रय मूल्य, तो 5% हानि का विक्रय मूल्य कितना हो जाए, हम अगर 100 रुपया सामान लेके चला ही, 100 रुपया खरीदे ही, और 5% हानि हो जाए तो वो हम दे देंगे। तो इसका मतलब हम कितने दे देंगे, 100 रुपया हम 5 रुपया कम, यानी कि हम दे देंगे 95 रुपया। यानी कि हमारा यानी जो ख्वाहिश था वो 95 रुपए का था, लेकिन हुआ क्या, 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा गया, यानी कि 20% लाभ का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। बहुत कठिन नहीं है, केवल वीडियो ध्यान से देखिए, शुरू से आखिरी तक देखिए। अब यानी कि 20% का लाभ होता है, हम फिर एक बार हम बताना चाहते हैं, 20% एक है मतलब 100 में 20 रुपया का लाभ अगर हो है, तो वही का कार्य 20%। अगर हम कोनो सामान 20 रुपया लेके चला ही, 100 रुपया का सामान लेके चला ही, अब 20% लाभ था, तो एक है मतलब हम बेचे कितने का, 100 को 2, अब 20 रुपया हमारा लाभ था, 120 के बेचे। अगर हम 100 रुपये का सामान, अगर हम 100 रुपये का सामान खरीदे, अब 20% लाभ अगर हम बेचे, तो उसका विक्रय मूल्य होगा 120 रुपये। ये होगा, इसका मतलब कि हम 95 रुपया चाहते थे कि अगर हमको 95 रुपये मिल जाएगा तो हम दे देंगे, लेकिन हमको मिला कितना, 120 रुपये मिला। तो यानी जितना हम चाहते थे उससे हम कितना ज्यादा पाए, देखिए दोनों मूल्य में अंतर क्या है, विक्रय मूल्य में, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर है 120 माइनस 95। जब हम 120 रुपया में से 95 रुपया घटाएंगे तो हमारा आएगा 25 रुपये, 25 आएगा। इसका मतलब कि अगर हम जो मेज हमने खरीदा है, अगर उस मेज को अगर हम 100 रुपये का लेके चले होते तो हमें जितना हम चाहते थे उससे हम 25 रुपये ज्यादा पाते। लेकिन अब ये आपको बताना है कि वो मतलब जो मेज मतलब कि हमने माना है 100 रुपये, उस मेज की कीमत क्या थी कि जो कि हम जितना चाहते थे उससे हमको 125 रुपये ज्यादा मिला, तो हम निकाल लेंगे। इसके पहले बताइए, देखा लिखेंगे सुंदर राइटिंग में, चूंकि हम 25 रुपया ज्यादा कब पाए, जब हमारे मेज के दाम 100 रुपया रह गए, तो हम अगर 125 रुपया ज्यादा पाए ही अगर, तो हमारे मेज के दाम का रहन है, यही निकालेगा है। लिखेंगे चूंकि 25 रुपये अधिक मिलता है, 25 रुपये अधिक मिलता है कब, जब क्रय मूल्य हमारा था 100 रुपये। यानी कि 25 रुपया ज्यादा हम कब पाए, जब हम आए जब हम मेज का 100 रुपया खरीदे रहे। अगर हम 1 रुपया अगर हम अधिक पाए हुए तब हम मेज का हम कितने खरीदे रहे, हम बता रहे यहां जो संख्या रहेगी वो तो ऊपर लिखी जाएगी, अब बटे जो यहां संख्या रहेगी जब ये उधर जाएगा ये नीचे लिखा जाए 100 बटे 25। और हम पाए कितना है, अब हम देखेंगे कितने रुपए हमको अधिक मिला है, 125 रुपए। जब हम 125 रुपया अगर हमका अधिक मिला बात, तब हमारे क्रय मूल्य कितना रहा है, ये हमको निकालना है। जब 1 रुपया का हम ज्यादा पाए 100 बटे 25, तो 125 रुपया का हम ज्यादा
यानी कि ज्यादा मूल होगा, क्रय मूल होगा, तो इसलिए हम 125 लिखते हैं, इनटू 125 हो गया। अब इसको जब काटेंगे हम कैसे काटेंगे, 100 इनटू 125 बटे 25, कहीं ऐसा ना करिएगा कि 25 और 25 काट दीजिए, अब कह दीजिए गुरुजी हम सॉल्टर नम सवाई, नहीं ये 25 नहीं है 125 है। इसलिए हम कई बार बताए हैं जो इस संख्या से हम हर की गिनती को काटेंगे उसी संख्या से अंश की गिनती को भी काटेंगे। अगर हर की गिनती को अगर 25 से काट रहे हैं तो 25 से करना 25, तो 25 से ही अंश की गिनती चाहे ये काटे चाहे ये काटे एक न एक गिनती काटेंगे। तो 25 पंचे 125, अभी वही का बटे के मतलब कुछ नहीं, 100 पंचे 500। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हमने जो मेज हमने 500 रुपए में खरीदा था और हमने सोचा कि 5% हानि पर यानी कि 25 रुपया घाटा बेच देवे और यानी कि 20% लाभ हो गया, तो हमको 125 रुपया मतलब हमका जितना हम चाहते थे उससे हमको 125 रुपए ज्यादा मिला, तो यानी कि वो सामने मेज हम कितने रुपए में हमने खरीदा था, 500 रुपए में, 500 रुपए में खरीदा था। तो ये है। अब अगला सवाल देखिए, अगला नियम, नियम अब अगला नियम देखिए, दसवां नियम, जिसे नौवें नियम में क्या था कि अधिक मिलता था, अब इसमें उसी का हम पार्ट टू वाला हम दसवां नियम बना दिए हैं। अब दसवां नियम क्या है, देखिए, एक मेज को 10% लाभ पर बेचने की अपेक्षा 10% हानि पर बेचा गया तो इस प्रकार हमें 200 रुपए कम मिलता है, तो वह मेज कितने रुपए में खरीदी गई थी, यही निकालना है। समझो पहले, एक बार कहा जाता है कि बहुत घमंडिया नहीं चाहिए, नहीं तो घमंड चूर हो जाता है। देखा एक मेज लेके चले और सोचता है कि यह मेज के चाहे जोन हो हम 10% बिना लाभ पाए भाई न देर चाहे जोन मंडिया, लेकिन हुआ क्या, वो 10% हार में बिक गया, कहीं ना कहीं टूटा रहा ना, खरीदने वाला मतलब उसने देख लिया कि भैया ये तो टूटा है, मेरे भैया इतने मिले, सोचे चला 10% हानि पर। ये है, अब समझा मैंने, बहुत कठिन सवाल नहीं है। कहने का मतलब कि पहले तो हम क्या चाहते थे, पहले देखिए हम चाहते थे कि 10% का लाभ हो। मान लीजिए जैसे हम उसमें हम बताए थे, माना सुंदर राइट में लिखेंगे मेज का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। अगर मान लिया वो मेज हम 100 रुपया खरीद के चले, तो हम चाहे हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि हम इस मेज को 10% लाभ पर बेचेंगे, यानी 100 रुपया पर 10 रुपया लाभ अगर हो तो वही का कहा था 10% लाभ। तो इसका मतलब कि 10% पहले यहां हानि रहा है, अब यह लाभ है, तो 10% लाभ का विक्रय मूल्य, तो 10% लाभ का विक्रय मूल्य कितना हो जाए, अरे भाई कोई यानी कि कोई सामान अगर 100 रुपया खरीदा, 100 रुपया खरीदा अब 10% लाभ पे बेच दिया तो 110 रुपया हो, 110 रुपया ले जाएंगे। लेकिन भाका हम तो चाहते थे कि हमारे मेज 10% लाभ पे बिके, लेकिन वारे ईश्वर किसी का मनोकामना नहीं पूरा होता है, तो 10% हानि हो गया। हम चाहते थे 10% लाभ, लेकिन हमारा हो गया 10% हानि, तो 10% हानि
यानी 10% अब यानी हानि का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 10% हानि का विक्रय मूल्य निकालेंगे, समझो पहले ये नहीं कहने को 10% हानि 100% हानि यानी प्रतिशत यानी 100 में 10 के हानि होंगे। अगर हम 100 रुपया पे हम मेज खरीद के चला ही अब 10% के लाभ हानि हो गए, एक है मतलब कि हमका 100 में 10 के हानि हो गए, तो एक है मतलब 90 रुपया का हमारा मेज बिकी 90 रुपया लिखा। एक रे पहले वाले सवाल में कह रहा कम चाहते थे ज्यादा मिल गया, वह ज्यादा चाहते हो लेकिन कम मिल गया, यानी हम चाहते थे कि हमको 110 रुपए मिलेगा बेचने पर लेकिन हमारा मिला कितना 90 रुपए, हम कितना चाहते थे 110 मिला कितना 90 रुपया, तो जितना हम चाहते थे उससे कितने रुपए कम मिला, तो हम 110 में से जब 90 घटाएंगे तो आएगा 20 रुपए, इसका मतलब कि जितना हम चाहते थे उससे हमको 20 रुपए कम मिला। अब 20 रुपए कम कब मिला, जब हम उस मेज को 100 रुपए यदि हम 100 रुपए में खरीदे होते तब मिलता 20 रुपए। तो अब यानी कि दोनों विक्रय मूल्य में अंतर क्या होगा, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर होगा 110 माइनस 90 बराबर 20 रुपया। अगर हम 100 रुपया का मेज खरीद के चला हो तो हमका जितने हम जितना हम चाहते थे उससे हमको 20 रुपए कम मिलता, लेकिन हमको मिला कितना है 200 रुपए कम मिला है, जितना चाहते थे कि हमको इतना मिलेगा उससे 200 रुपए कम मिल गया, तो इसका मतलब कि उस मेज को हम कितने रुपए में हमने खरीदा था जो हमको 200 रुपए कम मिला। अब उसको निकाल लीजिए, लिखेंगे सुंदर राइटिंग में, चूंकि 20 रुपए कम मिलता है, तो 20 रुपए कम मिलता है कब, जब हमारा क्रय मूल्य था 100 रुपए, कितना था 100 रुपए, अगर 20 रुपया कम मिला तो हमारा क्रय मूल्य 100 रुपया रहा। अगर मान लीजिए अगर हमका 1 रुपया अगर कम मिला हो तो हमारे क्रय मूल्य कम रहा है, तो यानी कि यहाँ जो रहे हमेशा ऊपर बटे यहां जो रहेगा ये नीचे जाएगा। अगर 1 रुपया कम मिला होता तो हमारा क्रय मूल्य क्या होता 100 बटे 20 होता, लेकिन हमें कितना कम मिला है, हमें मिला है 200 रुपए। अगर 200 रुपए कम मिला है तब हमारा क्रय मूल्य क्या होगा 100 बटे 20 इंटू जितना या तीसरे नंबर पे जो संख्या रहेगी वो ऊपर लिखा जाएगा, यानी कि 100 बटे 20 इंटू 200। अब इसी को काटेंगे, अभी भी ये हमारा 100 बटे 20 इंटू 200, अब ये 0 से 0 हम काट देंगे, अब 2 का नम 2 और 2 का हम 20 यानी 100 दाम 1000 रुपए। अब देख लीजिएगा, कहने का मतलब इसमें हम एक ही नियम बताए हैं, इसको एक ही सवाल इस नियम के अगर सवाल आते हैं, जैसे एक मेज को 5% लाभ पर बेचने की अपेक्षा 20% या 25% की हानि पर बेचा गया, तो इस प्रकार मान लीजिए 300 रुपए का मिलता तो वह मेज कितने रुपए में खरीदी गई थी, इसी तरह से हम निकालेंगे। तो भाग दो में, भाग एक में आप 5 नियम को आप बताए थे, भाग दो में आपको हम 5 नियम बताए, और यानी कि वीडियो हमारा शुरू से आखिरी तक देखिए, लाभ हानि का एक एक सवाल बताएंगे, और आज हम यही 5 नियम 10 नियम हमारा पूरा हो गया है। जय हिंद, जय भारत।